जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कार्यालय में यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनको पोस्ट कोविड ट्रामा से गुजरना पड़ता है, उनके लिए यूनिसेफ की टीम के सहयोग से काउंसलिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए जिले में 4 काउंसलर नियुक्त किया गया है, जिनके माध्यम से सभी पंचायत के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आशा व ANM को काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सीधा बच्चों से बात किया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो भी समस्या है दूर करते हुए आगे कौशल विकास की ओर जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए भी प्रावधान बनाया गया है और यूनिसेफ की टीम के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है महिला कल्याण विभाग, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग आगे कार्रवाई करेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को बहुत सावधानी व प्राथमिकता के आधार पर उनका स्वामी ले और विशेष रूप से प्राथमिकता में उनका ध्यान रखते हुए शिक्षा स्वास्थ्य व मानसिक तनाव के मुद्दे पर कार्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा this model is not right according to me. See, one, you should have a scale. If you have 10,000 students, you have to train the library level, the 4 people, कितने लोगों पे पहुंच पाएंगे? हमारे बच्चे कितने? बच्चे सर सुना पर गया 500. 550 बच्चों को कैसे काउंसलिंग करेंगे? The real intervention is using treatment can only be done when there is a program structure. You train, your trainers train the district and the block functionaries. Block functionaries take ownership, they understand. And this should not just be COVID. COVID is a topic here. It should be counseling on any kind of disaster and team. And your team was working with me when I was in the education. Janam Ganga. Aapda mein kaun kaam kar raha hai? आपदा में काउंसलिंग देयर हैज टू बी इंक्लूजन इन ऑल द गवर्नमेंट प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट चाइल्ड टू बी रिहैबिलिटेटेड इज देयर अ पॉसिबिलिटी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ देयर इज वन डिजाइन व्हिच इज ऑलरेडी देयर वर्किंग बच्चा यहाँ है उसकी I don't think about it. I'm not expert on that, but think about it. No, I appreciate after the point that both it's a valid point. So they were only here, but people in the Aadhaar wala ne pura problem hai. Because it's a common thing. Jo bachcho ne suffer gone through. Iske liye mere alag specialized training or orientation ke sath. Probably what is sahi baat hai. And there you need a deeper skills. और इसके लिए जो है ये जो टीम है माइंड पाइपर की, इन्होंने ये भी देखा तो शायद एक्सपीरियंस है, इन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग दी हमारे लगभग 250 काउंसलर्स को अक्रॉस द स्टेट। यहाँ से भी है क्या मॉड्यूल है सर? एक्चुअली आई बिलीव आप बोल रहे हैं कि 4 काउंसलर्स से नहीं होगा, हमें और काउंसलर की जरूरत है। 40 बच्चों को भी रिलेंटलेस नहीं होगा। वी आर सीइंग एवरी स्कीम ना, ब्लॉक लेवल फंक्शनरीज कैन नॉट डू जस्टिस, वो पिकनिक मना के आ जाएगी। Sorry to say that, but that is how it happens. But on a continuous basis, only village level functionaries can work on it. Our ASHA, ANM have to be taught, teachers have to be taught, VRAs have to be taught. Continuous training happens. Any behavior change program, any behavior PCC or IPC communication can only happen when it is at a continuous basis on daily basis. And that can happen if you have a group of trainers. Suppose a disaster comes. You call those trainers, a group of mixture of good people like very champion kind of Pradhan, champion kind of Asha Jena, they can be invoked by the district magistrate and they can function on the to the families and the communities of that those particular household. Think about it. हर स्टेट में हमें कुछ कुछ काउंसलर दे 4-5 उनको अपनी कंटेंट हिस्ट्री लेने का काउंसलिंग कैसे करने का उसे हम सेकंड फेज में ले जाना चाहते हैं कि वहाँ पे और काउंसलर्स आपके तरफ से हेल्प हो पाए। हाँ
जो हमारे कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिताओं की मृत्यु हुई है, उनको पोस्ट कोविड बहुत ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उसके लिए यूनिसेफ की टीम के सहयोग से हम लोग काउंसलिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। 4 काउंसलर जिले में नियुक्त हैं, उनके माध्यम से सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को, शिक्षकों को, हमारे आशा एनएम को काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है और सीधा उनके परिवार से, बच्चों से संवाद किया जा रहा है ताकि उनके मन में जितनी भी आशंकाएँ हैं उसको दूर करते हुए उनको आगे कौशल विकास की ओर जुड़ने के लिए हम करें। उसमें उनके करियर काउंसलिंग के लिए भी प्राविधान किया जा रहा है और यूनिसेफ की टीम के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है उसके अनुसार हमारा महिला कल्याण विभाग, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग आगे कार्रवाई करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें आपके माध्यम से मैं समुदाय से, विशेषकर ग्राम पंचायतें और नगर निकाय के स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो ऐसे बच्चों को बहुत ही संवेदनशीलता से डील करें, उनका स्वामित्व लें और उनको विशेष रूप से प्राथमिकता में उनका ख्याल रखते हुए उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके मानसिक तनाव के संबंधित मुद्दों पर कार्य करें।